चलें आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर और इरेक्ट की बात कर रहा है. अच्छा, ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ दिस इमेज एंड ड्रॉ ए रे डायग्राम. करिए इसे ट्राई. चलिए मैं कराता हूं. वैसे आपको भी इसका सॉल्यूशन पता है मेरे बच्चे. वो कह रहा है कॉनकेव मिरर लो और उससे आप वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना. इरेक्ट मतलब वर्चुअल. वो तभी पॉसिबल था जब, अच्छा ये फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर. ये तभी पॉसिबल था जब इमेज पोल और फोकल लेंथ के बीच में हो. यानी कि उसने किसकी बात की, रेंज ऑफ डिस्टेंस. रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, 0 से 15 सेंटीमीटर, यहां पे कहीं. तभी तो यहां इमेज बनती है. मतलब यहां रख, देखो इसको देख ही लेते हैं ना. सही, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसी इमेज बन गई मेरे भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट. बात खत्म. ठीक, क्या बोला उसने, व्हाट इज द नेचर. नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड. इसी को कहा जाता है एनलार्ज्ड. अरे बोलो बंधु, इसी को क्या कहा जाता है, एनलार्ज्ड. सही है, चम्मच है, चम्मच. चम्मच में कॉनकेव साइड होती है, एकदम पास से देखो बड़ी इमेज दिखाई पड़ेगी. सिंपल है. अंडरस्टूड. आगे चलें, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं. नेक्स्ट, ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे. आगे देखो, इसका सॉल्यूशन तो मैं यहीं कर देता हूं. ध्यान दो मेरे बच्चे. कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना. रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है रिक्वायरमेंट में इसने कहा
रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। अच्छा, सेम साइज की कॉनकेव में तभी पॉसिबल है जब, याद रखो, ऑब्जेक्ट किस पे था, सी पे, एंड इमेज भी कहां बन रही थी, सी पे, राइट। अगर ये कहानी हुई तो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। तो आर का फॉर्मूला, आर बाय टू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ, यानी कि आर बराबर 2F, यानी कि R बराबर 2 × 10 = 20 cm, यानी कि मस्ट बी कैप 20 cm अवे फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट मस्ट बी कैप्ट 20 cm अवे फ्रॉम द पोल। इसका मतलब उसके खुद के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। कहां रखना है, उसके खुद के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इज इट क्लियर एवरीवन, कहां रखना है, उसके खुद के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सिंपल है, कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी डाउन, कॉपी करें। कुल मिला के पता है बात क्या है, बात यह है कि वो जो 6 केसेस मैंने बताए थे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज फोकस पे बन रहा है, जब हम बियॉन्ड सी लेके आते हैं इंफिनिटी से पास में, मतलब बियॉन्ड सी इंफिनिटी से पहले और सी के बाद में, तो फिर एफ और सी के बीच में बन रहा था, डिमिनिश बन रहा था, जब हम लोग एट सी लाते थे तो एट सी पे बनता था, याद आया, वही केस है ये, सेम साइज का, वहीं से पकड़ लिया हमने, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। आई बात समझ में, अगर वो बोल देता सो दैट रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बिटवीन सी एंड एफ, तो कहां रखते, बियॉन्ड सी, खत्म। अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm from the concave mirror of focal length 10 cm. Try karo is question ko, main to karaunga hi. Try karo aap. चलिए आइए देखिए, सबसे पहले इसका गिवन डेटा देखते हैं अपन कि इसमें दिया क्या क्या है। इसके गिवन डेटा में जब आप देखोगे, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, यानी H1 1 cm प्लेस्ड एट डिस्टेंस, कौन, ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ, यू दे रखा है 15 cm, लेकिन ध्यान रहे कॉनकेव मिरर के इस तरफ, तो लाइट इधर से आएगी तो U इधर नापोगे ना, तो U इज निगेटिव -15, समझ गए, रेफरेंस समझ गए, फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ भी तो इधर ही नापोगे, राइट, फोकल लेंथ भी तो इधर ही नापोगे, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव का 10 cm। क्या क्या पूछा है, साइज नेचर पोजीशन, तीन चीजें, साइज यानी कि H2, नेचर रियल है इन्वर्टेड है कैसा है, पोजीशन V कहां है। सबसे पहले तो V निकल जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, पोजीशन। तो मेरे बच्चे
पोजीशन कैसे निकालोगे? भागो मिरर फॉर्मूला की तरफ, मिरर फॉर्मूला। मेरे बच्चे मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? वन बाय वी, वन बाय यू, वन बाय एफ। मंजे का है वन बाय वी माइनस, मतलब प्लस माइनस का वन बाय फिफ्टीन था आई गेस, फिफ्टीन। और ये किसके बराबर? माइनस वन बाय टेन। यहां पे आ गया वन बाय वी बराबर, ये उधर गया प्लस में बदल गया, माइनस वन बाय टेन प्लस वन बाय फिफ्टीन। सही है, तीस आ जाएगा इनके बीच में, एलसीएम तीस आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया माइनस का तीन प्लस का दो, माइनस का एक बटे तीस, वन बाय वी। तो वी बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, किसके अपोजिट में? अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, या फिर हम यूं कह दें टूवर्ड्स कॉनकेव साइड या टूवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग साइड। समझ में आई बच्चा? हाँ या ना? मतलब ऐसा है, इस तरफ बन रही है इमेज। कॉपी करें इसे, एक्चुअली जाएगा बियॉन्ड सी, ये बियॉन्ड सी वाला केस है, बताऊंगा कैसे देखना। नहीं ऑब्जेक्ट, हाँ इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में वाला केस है। करिए देखिए, आइए चलिए देखिए। सर आपको कैसे पता चला कौन सा केस है ये? देखो ना, सिंपल सा फंडा है, उसने दिया हुआ है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसका डबल आर हो गया 20 सेंटीमीटर, और यहां रख दिया है ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियसली ये सी और एफ के बीच वाला केस है, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड। क्लियर है? और बियॉन्ड बन भी रही है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के पार बन रही है। देखा हमने, हाँ या ना? तो ये भी तो बोल सकते हैं कि दस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। कहां फॉर्म हुई है? बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अब साइज वगैरह की बात कर ले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे तो H2/H1 होता है, लेकिन आप अगर देखो तो माइनस वी बाई यू भी तो पड़ा था, हाँ या ना? यानी कि एच टू बराबर एच वन इंटू माइनस का वी बाय यू। एच वन कितना है? 1 सेंटीमीटर इंटू माइनस का वी कितना था? इस तरफ था ना वी 30 अपॉन 15 माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस का 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर ये निकल के आ रहा है। बोलो यार, यस और नो, देख लो। माइनस का 2 सेंटीमीटर निकल के आया। माइनस का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है ना, आगे की तरफ बन रहा है। नेगेटिव साइन मींस
नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एंड दस द इमेज फॉर्म्ड इज ए रियल एंड एन इन्वर्टेड इमेज. कैसी इमेज है जी? रियल है, इन्वर्टेड है, साइज उसका इतना है. लॉजिक क्लियर? यस और नो? कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे. काइंडली कॉपी इट डाउन. समझ में आए यार? मतलब कैसे पकड़ना है इनको? आओ आगे चलते हैं. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. अच्छा, H1 दे दिया, यही मार्क कर लो. H1 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, U, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी माइनस U है ये, प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज H2, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर F निकालना है, एंड पोजिशन ऑफ द इमेज V निकालना है. क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ही. ट्राई करो मेरे बच्चे, मैं तो कराऊंगा ही इसे. प्लीज आप ट्राई कीजिए एक बार. चले कराऊं मैं, ध्यान दीजिए. देखिए यहां पे सॉल्यूशन, उसमें गिवन डेटा पे बात कर लेते हैं. गिवन डेटा, इसमें H दे रखा है, H1 प्लस 2 सेंटीमीटर. काहे? कारण है उसका, उसके पीछे का कारण यह है कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखोगे. यू बराबर माइनस 16 सेंटीमीटर. सर माइनस क्यों लिखा? बच्चे कॉनकेव मिरर है, इस तरफ देखो, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इधर से यू अब जब मेजर करोगे तो नेगेटिव ही होगी. यू जब मेजर करोगे तो वो कैसी आएगी? नेगेटिव. ठीक है, नाउ अबाउट H1, H2 सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है. रियल है तो इन्वर्टेड है ही, सही? रियल है क्योंकि स्क्रीन पे उतार रहे हो ना, तो इन्वर्टेड बनेगी तभी सीधी करके देख पाओगे. सो रियल एंड इन्वर्टेड माइनस 3, देख लो, यस और नो? ना कर लिया कॉपी? चले आगे. रियल एंड इन्वर्टेड के कारण. चलो, तो आपसे पूछा जो पोजीशन ऑफ द इमेज, वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जैसे पिछली बार आपने निकाला था. मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि फोकल लेंथ भी पता नहीं है. कैसे करें फिर? एक और तरीका है, देखो. मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू होता है और एच टू बाय एच वन भी होता है.
बात तो सही है सर आपकी, आओ रख देते हैं। देखो मैग्निफिकेशन बराबर H2 by H1 माइनस का 3 by 2 माइनस का 1.5। अब माइनस का 1.5 या माइनस का 3 by 2 बराबर माइनस का V upon U, माइनस का V अपॉन माइनस का U, माइनस का U कितना है, माइनस का 16 सेंटीमीटर। सही है, क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल, V की वैल्यू आ गई, ये हो गई 48 24, माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो ये कहां रखा जाना चाहिए, माइनस का 24 सेंटीमीटर इसी तरफ। अभी सब पे मैं बताऊंगा, कमेंट करूंगा। मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए माय डियर। मिरर फॉर्मूला यूज करते से ही क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा, कैसे देखेंगे हम लोग इसे, 1 by V, 1 by U, 1 by F। सही बात है, 1 by V माइनस 24 माइनस का 16, 16 और 24 में 48 आता है कॉमन, 48 लीस्ट कॉमन, देख लो 32 दिया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3 बराबर 1 by F, ये आ गया माइनस का 5/48 बराबर 1 by F। तो F कितना आ जाएगा, माइनस का 48/5, यानी कि 5 से करते 10 आता, 50 होता तो 0.6, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ देता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 2 गुना, वो हो जाता माइनस का 19.2 सेंटीमीटर। बोलो यार, यस और नो, इतना तो पूछा ही नहीं था। इमेज इसके पार ही तो बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां, 16 पे रखा है, तो 16 मतलब इन दोनों के बीच में इमेज वहां बनी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। देख रहे हो, आ गया कंडीशन, आ गया कंडीशन। तो क्या बोला वो, फोकल लेंथ निकालने का, फोकल लेंथ ये रही, एंड इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ में आया यार ये क्वेश्चन, बढ़िया से हुआ, यस और नो, कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलेंगे, कॉपी डाउन। चले आगे, बढ़िया। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। क्वेश्चन अच्छा है यार, ट्राई करो इसे, ट्राई करो। कर लिया ट्राई, देखें इसे, हां ध्यान दो, ये कह रहा है 3 times। अच्छा
यहीं कर देते हैं सॉल्यूशन। पता है थ्री टाइम्स का क्या मतलब हुआ? मैग्निफिकेशन थ्री हो गई है। लेकिन एक मिनट, रियल बोला तो इन्वर्टेड है ही बाय डिफॉल्ट, माइनस थ्री। केला यहां ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है, यू हमेशा नेगेटिव आएगा। मैं बता भी चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, कॉनकेव मिरर इंसिडेंट लाइट है ऐसी आएगी, ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा तो हमेशा यू कैसा आएगा? निगेटिव, ऑलवेज। सही है। इमेज कहां लोकेटेड होगी? वी कहां है? तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस वी बाय यू। मैग्निफिकेशन दिया कितना हुआ है? माइनस थ्री, माइनस वी अपॉन माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस इधर चला गया, वी बराबर माइनस 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसके लेफ्ट में बना। ये जो कॉनकेव मिरर है इसके लेफ्ट साइड में। लॉजिक क्लियर? अच्छा क्वेश्चन तो और हो जाता है, ये वैसे एनसीईआरटी का है। अच्छा क्वेश्चन तो ये और हो जाता जब यहां पे फोकल लेंथ पूछ देता, तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ करके निकालते। माइनस साइन का ध्यान रखो बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। माइनस साइन का ध्यान रखो कुल मिला के। क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए, डू इट प्लीज। चलें आगे बढ़ें। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज प्लस 1, व्हाट डज इट मीन? बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां से। देखो मैं ही बता देता हूं। देखो नंबर वन क्या बोला उसने, प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन प्लस 1। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ध्यान से देखो। मैग्निफिकेशन प्लस 1, ध्यान से समझो। यहां पे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, ओके। दूसरा, ऑफ द सेम साइज ऑब्जेक्ट और उसके साइज में कोई अंतर नहीं है। सो जो इमेज बन रही है उसका साइज m बराबर h2 बाय h1, सही है, राइट? एम बराबर एच टू बाय एच वन, ये हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब बनी बिहाइंड द मिरर है। अगर आप उस वाले फॉर्मूले में लगा दो ना, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए, स्फेरिकल के लिए ज्यादातर यूज में लेते हैं हम लोग, माइनस वी बाय वी यू जो फॉर्मूला था। तो देखो यू प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो U जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव हो गया, माइनस V आ जाएगा पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, समझ गए? तो ये पीछे की तरफ V इसमें पॉजिटिव आएगा। लॉजिक इज क्लियर, सिंपल। तो ये इंफॉर्मेशन इस फैक्ट से हमें मिल रही है। कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर हाई
एच वन दे दिया है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू दे दिया है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर बोला है अब, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. अच्छा, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज. देख लेते हैं, कर लेते हैं, समझ लेते हैं. अच्छा, आप ट्राई कीजिए पहले. चलिए आप ट्राई कर लीजिए, फिर तो मैं कराऊंगा ही. ट्राई इट आउट प्लीज. चलिए आइए देखें इसे सॉल्यूशन. इसमें गिवन डेटा क्या है? H1 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का -10 सेंटीमीटर, अभी बताऊंगा क्यों. रेडियस ऑफ कर्वेचर R 30 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव ले रहे हो सर? हां, ये भी बताऊंगा क्यों. ठीक है, अब देखो, इस बार मिरर बदल दिया है मेरे भाई. ये रहा, कॉन्वेक्स है. यहां ऑब्जेक्ट रखोगे रिफ्लेक्टिंग साइड में, पोल ये रहा. ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे इस तरफ नापोगे जबकि इंसिडेंट रे इधर आ रही है? तो यू तो अभी भी निगेटिव होगा ना. तो इसका मतलब थंब रूल बना लो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो फर्क नहीं पड़ता, यू हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट रे में आप नाप रहे हो. आई बात समझ में? निगेटिव, बढ़िया. अब सुनो, हमें पता है कि फोकस यहां आएगा और ये इन द डायरेक्शन नप रहा है और आर भी इधर ही जाके नपेगा, तो ये सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव. ठीक है, फोकस निकल कैसे जाएगा? ये निकल जाएगा R बाय 2, यानी कि प्लस का 15 सेंटीमीटर. आई बात समझ में? हां या ना? अगर इतना हो गया तो बस आगे चलते हैं, हो जाएगा ये भी. इतना हो गया तो आगे चलते हैं, हो जाएगा ये भी. कॉपी कर लें. ठीक है, आओ देखो. सो बेसिकली आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो है H1 5 सेंटीमीटर आई गेस, या 3 सेंटीमीटर कुछ ऐसा ही है, 5 सेंटीमीटर. 10 माइनस का और 15 प्लस का. F बराबर प्लस 15 सेंटीमीटर. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, तभी तो लोकेशन यानी वी पता चल पाएगा. देखो, 1 बाय वी, 1 बाय यू, 1 बाय एफ. यहां पे वी कितना है नहीं पता, प्लस माइनस का 1 बाय 10, 1 बाय 15 प्लस का. ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बाय 10, 1 बाय 15, 30 आ गया. 3 प्लस 2
पांच बटे तीस, वी बराबर प्लस का सिक्स सेंटीमीटर, कितना आया प्लस का सिक्स सेंटीमीटर, यानी कि प्लस मींस द इमेज फॉर्म्ड या इमेजेस सिक्स सेंटीमीटर टू लेफ्ट, सॉरी टू राइट ऑफ द राइट साइड में, पोल, पोल के राइट साइड में, आई बात समझ में, पोल के वो दाहिने साइड में, राइट साइड में, ओके ग्रेट। मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, माइनस वी बाय यू करके, नहीं आओ देखो, माइनस का वी कितना आ गया छे, यू कितना था दस, माइनस का दस, सही है। मैग्निफिकेशन कितना आ गया छे बटे दस, यानी कि थ्री बाय फाइव, 60%। अब ये H2 अपॉन H1 होता है, ये हो गया 3 बाय 5, यानी H2 बराबर H1 इंटू 3 बाय 5, H1 कितना है 5 इंटू 3 बाय 5, H2 आ गया पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया इसका कंप्लीट एनालिसिस। लॉजिक क्लियर है, यस और नो, कॉपी कर लो बस यहीं तक। चलो यार हो गया, ये समझ में आया, नहीं हुआ हो तो थोड़ा सा पीछे जाके आप इसको और एक बार देख लेना, है ना, एकदम बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ सारा डिस्कशन कर लिया है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डाउट क्लियरिंग सेशन लेने की जरूरत है क्या, तो मैं शेड्यूल कर दूंगा। डाउट क्लियरिंग सेशन की जरूरत है अभी या रिफ्रेक्शन के बाद करना है आप मुझे बता देना, मैं वो शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है जी, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट सेशन से यानी आठवें दिन से हम लोग रिफ्रैक्शन को शुरू करेंगे। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।